Hey friends, how are you today? This is me, Jay. This vlog we're gonna do some traveling in Kaitaia. और ये जो vlog है हम करेंगे हिंदी में. So कुछ दोस्तों ने बोला कि हिंदी में भी vlog बनाया जाए. आज मैं हूँ ऑकलैंड में अभी और अभी मेरी about 4 hours की drive है to Kaitaia, जहाँ पे मैं मिलूँगा रातुल से और कल हम जाएंगे. I don't know कहाँ पे जाएंगे पर कहीं तो जाएंगे, कोई अच्छा सा place देखेंगे और एक नया vlog आपके लिए लाएंगे. So till then, stay tuned. Okay, Google. Navigate to Kaitaia. It's a long way. Hello. तो 5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं रातुल के घर. अभी बजे है ऑलमोस्ट 8:30, बट एज यू कैन सी स्टिल अ लिटिल बिट लाइट. देखते हैं रातुल ने क्या पकाया है आज. पहले कॉल करते हैं भाई को, है किधर वो. मालिक हाय हाय, नमो नमो. रातुल अच्छा ऐसे स्वागत करते हो. रातुल कुछ पका रहा है, कुछ तो पका रहा है. स्पेशल चिकन, कुछ तो पका रहा है. कैनेलिनी बीन्स, अभी ये हिंदी में कोई नहीं. एंड इटालियन टोमेटो. इटालियन साले इटली से टोमेटो खाता है तो क्या बात है. अरे चिकन है आज का हमारा खाना, चिकन है. ये डाल सकते हैं और क्या है. स्पेशल मालो फ्रॉम हॉक्स बे न्यूजीलैंड. मालो अच्छा, काफी ट्रैवलिंग किए तो ने खाने के लिए. सुबह हो गई मामू, हाउ आर यू गाइस. वी आर इन काइटाया टुडे और बस अभी मैं और अतुल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर में यहाँ से कहीं पे घूमने के लिए निकलेंगे. एट द मोमेंट अभी मैं रातुल के बैकयार्ड में खड़ा हूँ जहाँ पे रातुल रहता है. और ब्रेकफास्ट क्या है रातुल? ब्रेकफास्ट इज रेडी. ओके सो वी आर स्टार्टिंग अवर जर्नी. वेयर वी गोइंग? आईपारा. सो काइटाया से आईपारा आई थिंक 15 मिनट्स ड्राइव है. तो चाय काफ़ी हमने पी ली है, हमारे इक्विपमेंट रेडी है और हम ड्राइव करने के लिए तैयार है. ड्राइवर आर यू रेडी? ऑलवेज रेडी. ऑसम. सो विल सी यू एट आईपारा. अगर आपके पास फोर व्हील ड्राइव हो तो आप पूरे 90 माइल पूरे बीच पे 90 माइल तक चला सकते हो गाड़ी, या तो फिर अगर आपके स्टेमिना हो तो दौड़ भी सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो. हाँ, यहाँ लोग लॉन्ग हिचहाइकिंग करते हैं के प्रियंगा से इधर 90 माइल कोर्स तक हर साल होता है. एक बार मिड ईयर चालू होता है जून जुलाई के टाइम पे, तो अगर आपको करना है आप रजिस्टर कर सकते हो. आई एम नॉट टू श्योर इफ यू कैन सी द सैन बट दैट्स ऑसम. एक मिनट फिर से लेके जा कि ऊपर नहीं बने. We'll be right back.
मैं मतलब ये ऑलवेज वेलकम बोलता हूं तो सब आते रहते हैं। अच्छा मतलब काइटा में ऐसे सब सबको हेलो बोलते हैं। सब बहुत फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा तो हम कहां पे अभी? हम लोग अभी ये आई पर हिल टॉप जहां से नॉट 90 माइल्स का कोर्स दिखाई देता है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन काइटाया। ये 15 मिनट का दूरी है काइटाया सिटी सेंटर से। बाजू में कैंप ग्राउंड भी, अगर आप कैंपिंग के लिए आना चाहते हो तो ज़रूर वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड प्लेस इन नॉर्थ लैंड। तो हम पहुंच चुके हैं केबल बे। पता है इसका नाम केबल बे क्यों है? क्योंकि इस शहर पे न्यूजीलैंड पे पहला ऑप्टिक फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट आया था। ये 100 साल से फाइबर भी आया होगा, किसी ने सोचा होगा, किसी ने नाम दे दिया क्या? पूछते हैं किसी को केबल बे नाम क्यों है। केबल तो दिख नहीं रहे मुझे। चलो आइसक्रीम खाते, चलो ये पीते है, तो लीटर है ना, पीते होंगे खाते होंगे। नहीं गर्मी है तो पी सकते हैं। खाते भी और पीते भी, बांग्ला वाले तो सब पीते ही है। अरे खाते है। कौन सी आइसक्रीम खाने अभी? हमारी आइसक्रीम रेडी है। या थैंक यू काइंडली। थैंक यू, यू टू, चीज। अभी ये सिंगल है। केबल बे से वापस जा रहे हैं वांगानुई। मांगानुई, माय बैड। हम मांगानुई जा रहे हैं, आइसक्रीम खा ली है, वहाँ पे जाके देखते लंच कर लेंगे। भाई रेडी? हाय, हम लोग अभी मांगानुई पे है। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। क्या मैं हमेशा मैं क्या बोलूँ, तू भी कुछ बोल। Hey guys, हाँ तो हम भी है मांगानुई में। ये जो मांगानुई जगह है वो आई थिंक 150 साल पहले वेलिंग के लिए काफ़ी जानी जाती थी। तो फ्रेंच, अमेरिका, इंग्लैंड से वेलर्स आते थे जो वेल का शिकार करते थे, शायद हंटिंग फिशिंग। वेल के ऊपर चढ़ के घूमते थे। कुछ तो करते होंगे, वेलिंग होता था यहाँ पे। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे मांगानुई में जो सबसे पहला सेटलर, यूरोपियन सेटलर आया था, उसकी ग्रेव है यहाँ पे। और तो यहाँ पे एक वॉक भी है जो यहाँ से ऊपर जाती है, यहीं से जाती है ना शायद, शायद यहीं से ऊपर जाते हैं। सो जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें होपफुली अच्छा 360 व्यू मिलेगा। हम पहले तो ढूंढते हैं कहाँ से ऊपर जाना है, और फिर ऊपर पहुँचने के बाद आपको अच्छा सा 360 व्यू भी देते हैं। मांगो नहीं इधर, जय बद्रकाली। पास है। अबे पा नहीं, पा एक सूर्य के ले है उसमें। अच्छा तो क्या देखा हमने वहाँ पे? फ्रेंड्स फ्रॉम रंगी कपिटी पा यू कैन सी ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ। हिंदी में बोल भाई। अच्छा, आदरणीय बंधुगण,
रानी कपटीपा से आपको अचंभित दृश्य दृश्यमान होंगे। भाई भाई संस्कृत नहीं बोला, हिंदी बोला मैंने, फिर तू ही बोल रहे। सो रानी कपटीपा वहाँ से मांगोनुई जो है उसका पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है, फिर कूपस बीच, डाउटलेस पे और करिकरी पेनिनसुला। और ये जो रिजर्व है वो नाटी काहू जो यहाँ की एक ट्राइब है उसके लिए भी एक सिग्निफिकेंट साइट है। अभी हम डाउटलेस बे है जो अबाउट 5 मिनट ड्राइव है वहाँ से, यहाँ पे हम लंच करेंगे और देखते हैं कि और कौन सी जगह पे जा सकते हैं, एंड देन विल जस्ट कीप यू अपडेटेड। ओके स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम लोग मांगनुई कोर्ट हाउस पे जा रहे हैं जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है, ये 1892 को बिल्ड हुआ था, यूज टू बी कॉल्ड विक्टोरियन कोर्ट हाउस। सो लेट्स सी इफ वी कैन टेक सम पिक्चर्स इनसाइड। Oh yeah, you can record that, right? चैम्बर हुआ करता था और यहाँ पे जज साहब बैठते थे, वो राय सुनाते थे यहाँ बैठ के। जिसका किस्मत अच्छा था उसका तो था, जिसका नहीं था उसको शार्क को खिला दिया था। और अगर शार्क ने गलती की तो उसको इंसान को खिला दिया था। हो सकता है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो 1904 में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, जो बिल्ट हुआ था 1876 में। 1989 में वो क्लोज हो चुका था क्योंकि ज़्यादा कुछ पोस्ट की सर्विस हो नहीं रही थी यहाँ पे। तो अभी ये है लिटिल किचन करके एक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है, तो अभी बस हम वहीं पे लंच के लिए जा रहे हैं। तो हम पहले आपको दिखाते हैं बिल्डिंग का एक्सटीरियर एंड देन हम अंदर जाके कुछ लंच करेंगे। पीछे देखना भाई। हम लोग अभी लिटिल किचन बार एंड कैफे पे है मंगनुई पे। हम लोगों ने रिसोटो और स्मोक चिकन ऑर्डर किया है। The food is amazing guys. If you visit around here, you must be disappointed. हाँ बस एक बात है कि थोड़े पोर्शन बहुत छोटे आते हैं तो खाना महंगा है। क्या करें थोड़ी ना बिरयानी।